दोस्तों स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्टिव स्ट्रॉन्ग स्टार। दोस्तों आज के वीडियो में हम आपको बताएंगे राजस्थान बोर्ड पूरक सप्लीमेंट्री परीक्षा रिजल्ट 2022 क्लास 10th एंड 12th। दोस्तों आपका यहां पर रिजल्ट कब आने वाला है और दोस्तों आपको पूरक परीक्षा के रिजल्ट किस तरह से निकालना है और दोस्तों आपकी ओरिजिनल मार्कशीट कब और कैसे मिलेगी और दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए कॉपी रिचेक रिजल्ट आ गया है। जिन स्टूडेंट ने अभी तक अपना कॉपी रिचेक रिजल्ट नहीं निकाला है दोस्तों फटाफट अपना रिजल्ट निकाल लीजिए। आपको दोस्तों इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो के साथ अंत तक बने रहिए। दोस्तों सबसे पहले तो यहाँ पर समझ लीजिए आपकी ओरिजिनल मार्कशीट कब आने वाली है। दोस्तों यहाँ पर पूरक परीक्षा की ओरिजिनल मार्कशीट आपको कब मिलेगी। दोस्तों जैसे ही आपका रिजल्ट आएगा पूरक परीक्षा का तो दोस्तों आपको 20 से लेकर 25 दिन के अंदर आपको अपनी ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपने विद्यालय से प्राप्त करनी होगी। दोस्तों आपकी ओरिजिनल मार्कशीट आपको अपने विद्यालय से प्राप्त करनी होगी 20 से 25 दिन के अंदर। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए आपको अपना रिजल्ट किस तरह से निकालना है और दोस्तों आपका रिजल्ट कब आने वाला है। दोस्तों आपको अपना रिजल्ट निकालने के लिए हमें चलना होगा अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर। तो दोस्तों हम चलते अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर। जैसे कि दोस्तों हम आ गए अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर पर। अब दोस्तों आपको यहाँ पर एरो के चिन्ह पे क्लिक करना है अपना पूरक परीक्षा का रिजल्ट निकालने के लिए या फिर कह सकते हैं आपको अपना रीचेकिंग का रिजल्ट किस तरह से निकालना है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इस एरो के चिन्ह पे क्लिक करके अपने मोबाइल के क्रोम ब्राउजर को यहाँ पर डेस्कटॉप साइट में कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर हमने डेस्कटॉप साइट में कर लिया है। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च करना है। दोस्तों क्या लिखना है दोस्तों आपको यहाँ पर समझ लीजिए आपको दोस्तों यहाँ पर लिखना है RBSE। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सर्च पे क्लिक कर देना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए हमारे यहाँ पर पेज ओपन होकर आ गए है। उसके बाद दोस्तों हम थोड़ा सा यहाँ पर नीचे जाएंगे। नीचे जाकर दोस्तों आपको यहाँ पर राजस्थान बोर्ड की यहाँ पर आधिकारिक वेबसाइट दिख रहा है। दोस्तों आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर हमने इस पर क्लिक कर दिया है। क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर आ गया है। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए आपका पूरक परीक्षा कक्षा 10th एंड 12th का रिजल्ट कब आने वाला है। जैसे कि दोस्तों आप सभी को यहाँ पर पता होगा आपकी परीक्षा 4 अगस्त से लेकर 6 अगस्त के बीच में चली थी। अब दोस्तों आपका यहाँ पर सप्लीमेंट्री या पर कह सकते पूरक परीक्षा का रिजल्ट कब आने वाला है। दोस्तों आपका रिजल्ट यहाँ पर सितंबर की दोस्तों आपकी 9 सितंबर को आपका रिजल्ट आ जाएगा कक्षा 10th एंड 12th का। दोस्तों 9 सितंबर को आपका कक्षा 10th एंड 12th का रिजल्ट आ जाएगा सप्लीमेंट्री एग्जाम का। अब दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर रीचेकिंग का यहाँ पर फॉर्म भरा था उनका यहाँ पर रिजल्ट आ गया है। उनको अपना यहाँ पर रीचेकिंग की कॉपी किस तरह से निकालना है। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने दोस्तों यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिख रहे होंगे। दोस्तों आपको किस लिंक पे क्लिक करना है दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए। दोस्तों थोड़ा सा वेट कर लें दोस्तों यहाँ पर हमारे लिंक आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारे लिंक ओपन होकर आ रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर लिख लें दोस्तों सिक्योरिटी, इस पर क्लिक करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हम क्लिक कर देते हैं। दोस्तों हमने यहाँ पर इस पर क्लिक कर दिया है। थोड़ा सा वेट कर दोस्तों यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर आ गया। जिन स्टूडेंट ने यहाँ पर रीचेकिंग का फॉर्म भरा था तो उनकी कॉपी यहाँ पर आ गई है। तो आपको कैसे निकालना दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए। दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पर अपना रोल नंबर फिल करना होगा। उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर टाइप करना होगा। जब दोस्तों आप यहाँ पर दोनों यहाँ पर चीज डाल दोगे तो आपको दोस्तों यहाँ पर व्यू स्टेटस पर क्लिक करना होगा। तो आपका दोस्तों यहाँ पर कॉपी आपके सामने खुलकर आ जाएगी। उसको अच्छे से देख लीजिए आपको कितने नंबर आए हुए और कितने नंबर यहाँ पर आपके कट हुए हैं। इसी प्रकार से दोस्तों आपको अपना रीचेकिंग का रिजल्ट निकालना है। अब दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए आपको अपना पूरक परीक्षा या फिर कह सकते सप्लीमेंट्री रिजल्ट किस तरह से निकालना है। हम थोड़ा सा यहाँ पर ब्रेक चल जाएंगे। दोस्तों यहाँ पर हम ब्रेक आ गए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए आपके सामने दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है एग्जामिनेशन रिजल्ट 2022। आपको दोस्तों इस पर क्लिक करना होगा। दोस्तों यहाँ पर इस पर हमने क्लिक कर दिया है। दोस्तों यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर आ गया है। दोस्तों आप सभी को यहाँ पर पता होगा यहाँ पर क्लास 10th एंड 12th में यहाँ पर पूरक परीक्षा लगभग दोस्तों यहाँ पर 61,000 छात्रों ने यहाँ पर पूरक परीक्षा दी है।
61,000 छात्रों ने यहाँ पर पूरक परीक्षा दी है क्लास 10th एंड 12th में। दोस्तों अब आपको अपना रिजल्ट किस तरह से निकालना है दोस्तों, यहाँ पर देख लो दोस्तों, आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिख रहे होंगे दोस्तों। ऐसी लिंक दोस्तों आपके सामने यहाँ पर 9 सितंबर को यहाँ पर एक लिंक आ जाएगी दोस्तों। क्लास 10th के लिए अलग लिंक होगी और यहाँ पर क्लास 12th के लिए यहाँ पर अलग लिंक होगी। दोस्तों यहाँ पर देख लीजिए, आपके सामने यहाँ पर बहुत सारे लिंक दिख रहे हैं दोस्तों। ऐसी लिंक आपको दोस्तों यहाँ पर 9 सितंबर के दिन यहाँ पर आ जाएगी दोस्तों। आपको क्या करना होगा दोस्तों, आपको मैं यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए बता देता हूँ दोस्तों। आपको ऐसी लिंक पर यहाँ पर क्लिक करना होगा, जैसे दोस्तों यहाँ पर हमने इस लिंक पर क्लिक कर दिया है दोस्तों, यहाँ पर हमारा पेज ओपन होकर आ गया है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर क्या करना है, आपको दोस्तों यहाँ पर आपके सप्लीमेंट ही आपके पास दोस्तों जो एडमिट कार्ड दोस्तों उसके रोल नंबर डालना होंगे, उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर सबमिट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने आपका पूरक परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। उसे डाउनलोड कर लीजिए या फिर दोस्तों आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो। और दोस्तों यहाँ पर समझ लीजिए, आपकी पूरक परीक्षा दोस्तों आपका रिजल्ट 9 सितंबर को जारी हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपकी ओनलाइन मार्कशीट यहाँ पर 20 से लेकर 25 दिन के अंदर आपको आपके विद्यालय से प्राप्त करनी होगी, ठीक है दोस्तों। और दोस्तों आपको अपना रिजल्ट चेक करने की डायरेक्ट लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी। आपको क्या करना होगा, उस लिंक पर क्लिक करके अपना रिजल्ट निकाल लेना होगा। तो धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक जय हिंद वंदे मातरम।